Okay, so welcome back to Backbenchers Academy #MayankSir, and this is our first live class. So are we coming live? Yeah. Can you see us? Anybody? किसी के पास live आया? हाँ. अभी live? Yeah. Okay, ठीक है. So hi guys, everybody. I hope all of you are studying, and this is our first live class. I hope मजा आए. And we are doing a class on The Little Match Girl, okay, by Hans Christian Andersen. अच्छा इस चैप्टर, ये एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीसी के लिए, और इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो ड्रीम्स, जो विजन उस लेडी को आता है, लड़की को आता है, गर्ल को आता है विजन, उसको हम लोग को लर्न करना है पहले, ठीक है? तो इस लर्न करने के लिए मैंने एक कोड बनाया है IRCG. क्या कोड बनाया है मैंने? IRCG. IRCG मतलब आई रियली क्राइड गर्ल. क्या कोड है? आई रियली क्राइड गर्ल. तो आई से क्या स्टैंड करता है? आई से स्टैंड करता है आयरन स्टोव. आई से क्या है? आयरन स्टोव. आर से क्या है? रोस्ट गूस. सी से है क्रिसमस ट्री, और फोर से है द ग्रैंड मदर. ठीक है? हाँ, यस. ये क्या है? इनवर्टेड वीडियो है. व्हाट वीडियो यार? इनवर्टेड. व्हाई इट इज इनवर्टेड? टेढ़ा जाता है. हाँ सर, एक बोल रहा है कैमरा सीधा करो. कैमरा को ठीक करो भाई थोड़ा प्लीज. हेलो 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 एवरीबॉडी. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट लिटिल बिट. अरे वॉल्ड क्या हो रहा है? उल्टा चल रहा है. लेट तो आएगा ना वीडियो. इट्स ओके. एक सेकंड हो जाएगा. प्रॉब्लम हो रहा है. I'll just tell you कि क्या करना है. One second, just give me one second. All of you are there. कितने जन आ गए? They are saying that now camera is perfect. Camera is perfect? Sir, they are saying, yes. Please scene of important scenes of MOV. Very difficult to tell you the scenes because MOV is vast. फिर भी Act 5 Scene 1 मेरे हिसाब से करना बहुत जरूरी है. Act 5 Scene 1 में जो चार्ट को हम लोग का comparison है, वो comparison करना बहुत important है. Act 2 में scene 2 Lancelot वाला scene is very important, वो करना बहुत जरूरी है, उसको करके जरूर जाना. उसमें तो बहुत important question आता है कि what is the gift which old Gobbo brought for Shylock? क्या gift है? Dish of doves. The dish of doves, that is very important करके जाना. और जो हम लोग ने 4 poems जो हम लोग ने बोली है, क्योंकि बहुत important, मैं आपको एक second बता दे रहा हूँ. ठीक है, I'm just telling you right now. Sir, one question is for Renu Pehla. When you will complete history of 10, please tell to sir, and geography please don't ignore. Geography didn't ignore मतलब, I didn't get that question. Class history and geography. We will do. अभी हम लोग का history और geography का अपन सारा questions जब आप hook रखना, we will do everything, we will do. कुछ भी हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं. सारे के सारे करेंगे हम लोग. There's a question from Kush Mishra, sir, daffodils please. Daffodils का video है, already uploaded है. Daffodils का video भी uploaded ना? Yes, it is already there. Please check my playlist. प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में आप चेक करो, उसमें डेफोडिल्स है. इट इज वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस वी हैव डन. तो आप प्लेलिस्ट जाओ मेरे, उसमें उसमें आपको मिलेगा. ओके, यस. वन मोर क्वेश्चन सर, नोट्स ऑन एक्ट 3 सीन 2. एक्ट 3 सीन 2 का नोट्स. ओके, आई विल ट्राई एंड गिव इट टू यू पीपल. सो दे आर सेइंग दैट यू विल. ओके, नाउ यू नोट डाउन द 4 इंपॉर्टेंट पोएट्रीज व्हिच आई एम टेलिंग यू. चार इंपॉर्टेंट पोएट्री जो आपके एग्जाम में आएगा. द फर्स्ट वन इज अबू बेन आदम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. The Bengal Seller, very very important. Bengal Seller मेरे ख्याल से sure shot question है. Cold within करना है आपको. And I know why the cage bird sings. ये चार बहुत important poetry है जो आपको करनी है. Short stories में Blue Bead, I think it's coming. Blue Bead is coming. The Little Match Girl is coming. Sure shot, जिसका हम video अभी हम लोग discuss करेंगे. Little Match Girl, Hearts and Hands is coming. And Old Man at a Bridge. ये चार stories हैं और ये चार poetry है जो आपको करनी है. बट प्लीज फॉर गॉड्स सेक, ये मत सोचना कि यही चार करके चले जाएंगे एग्जाम में. अगर नहीं आया तो फिर यू विल ब्लेम मी.
बट ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस है कि ये चारों आएंगे बहुत ज्यादा। सर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कुश मिश्रा, हु वाज डॉक्टर बेलेरियो इन एमओवी, प्लीज टेल मी। हाँ, डॉक्टर बेलेरियो वाज एक्चुअली पोर्शियाज कजन बोल सकते हैं, फर्स्ट कजन था वो उनका, एंड ही वाज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। डॉक्टर का मतलब यहाँ पे इट्स नॉट डॉक्टर एमबीबीएस, डॉक्टर ऑफ लॉ, ठीक है। तो पोर्शिया का रिलेशन में था, फर्स्ट कजन में भी, और उसी ने उसको हेल्प किया था टू गेट द टायर, टू गेट द नोट्स एंड एवरीथिंग, जिसके कारण वो जाकर वहां पे फिर सी एक्चुअली प्लेड अ लॉयर। यस सर, गुड़िया से ही रिक्वेस्ट फॉर चीफ सीएटल, चीफ सीएटल इज ऑलरेडी अपलोडेड, पूरा वीडियो है उसमें, आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप प्लीज उसको चेक करो वीडियो को, द वीडियो इज ऑलरेडी देयर। यस लेकिन तीनों वीडियो है, एक्ट थ्री सीन टू इज कम्प्लीट, उसका मेरे ख्याल से प्ले थोड़ा सा डालना चाहूंगा, फिर से मैं उसको फिर से अपलोड कर दूंगा, उसको प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, लेकिन तीनों वीडियो है, एक्ट थ्री सीन टू इज अपलोडेड है। Yeah, yeah, I'm telling you something. We'll go into this. A little match girl. We'll go into this little match girl. A horse and two goats. A horse and two goats is a very big chapter. उसको YouTube में करना थोड़ा सा problem है. But मैं उसका आज workout कर रहा हूँ, उसका छोटा कर रहा हूँ. And most probably I'll post it tomorrow. कल हम लोग horse and two goats करेंगे कल हम लोग. कल उसको हम लोग upload करेंगे. कल आज हम लोग वो भी करेंगे. The old man at the bridge भी करेंगे. Okay, let's start with the little match girl. ठीक है? Little match girl में मैं आपको बोलाऊँ, एक तो चार, मैंने उसको four visions आते हैं लड़की को, four visions. उस फोर विजन का कोड है IRCG, क्या कोड है IRCG, उसका एक्रोनियम है, उसका फुल फॉर्म क्या है, आई रियली क्राइड गर्ल, क्या आई रियली क्राइड गर्ल, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये स्टोरी पढ़ने के बाद हम लोगों से बहुत जन रोने लगेंगे, एंड आई मेक श्योर कि आप रो, ठीक है, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग रोगे अभी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, तो IRCG, आई स्टैंड फॉर आयरन स्टोव, पहला ड्रीम आई से आयरन स्टोव, आर से रोस्टेड गूस, ठीक है, सी जे क्रिसमस ट्री, और जी से ग्रैंड मदर, तो चार विजन उसको आया था, फिर से कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेगा, व्हाट आर द फोर विजन्स, आई आर सी जी, आई रियली क्राइड गर्ल, आई से क्या था आयरन स्टोव, आर से रोस्टेड गूस, सी से क्रिसमस क्रिसमस ट्री, और जी से उसकी ग्रैंड मदर, सो दीज आर द फोर विजन्स ही हैड। नाउ वी आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू द चैप्टर फास्ट, ओके, इट वॉज बिटरली कोल्ड, क्या It was bitterly cold. बहुत ठंडा था. We had experienced just now. It was bitterly cold. Snow was falling. Okay? And the darkness was gathering. Imagine करो, बहुत ठंड है, ठीक है? Snow गिर रहा है आस्ते आस्ते और darkness हो रहा है. For it was the last evening of the old year and it was New Year Eve. मालूम है ना हम लोग का 21st अपन का जो होता है 22nd December, the shortest day of the year. कितना ठंड होगा imagine करो. एक लड़की है, ठीक है? पूरी ठंड में the last क्रिसमस ईव है, 24 दिसंबर है, रात हो रही है, इट वॉज बिटरली कोल्ड, कोमल आई नो यू आर वेरी इमोशनल, आई वॉन्ट यू टू क्राई, तो इट वॉज बिटरली कोल्ड, स्नो वॉज फॉलिंग एंड डार्कनेस वॉज गैदरिंग, इन द कोल्ड एंड ग्लूम अ पुअर लिटिल गर्ल वॉक, एक लड़की चल रही है, पुअर लिटिल गर्ल, बेयर हेडेड एंड बेयर फुट, इमेजिन करो, ना सर पे कुछ है ना पैरों में कुछ है, बेयर हेडेड एंड बेयर फुट through the streets, एक लड़की चली जा रही है, एक छोटी सी लड़की, प्यारी सी, she had been wearing slippers, वो चप्पल पहने हुए थी, उसने पहले चप्पल पहना था, it is true, when she left home, but what good were they, उसने क्या किया, वो छोटी सी बच्ची बेचारी, उसके खुद का personal slippers नहीं था, वो अपनी मम्मी का slippers पहन के निकली थी, मम्मी का slippers आप जब छोटे होगे तो क्या होगा, आपके लिए बहुत बड़ा slippers होगा ना, they had been her mother's, so you can imagine how big they were, उसकी मम्मी क्या था, तो imagine करो कितना बड़ा होगा। The little girl had lost them as she ran across the street to escape from two carriages that were being driven terribly fast. Carriages, you know, horse and cart was going. और दो cart, horse and cart बहुत तेजी से आ रहा था. उसको बचाने के लिए वो लड़की भागी. और भागने में क्या हुआ? उसका slippers उतर गया. As it is, कोई use नहीं था. बड़ा slippers था. और वो अपने आप को बचाने के लिए जब वो भागी, तो उसका slippers वहाँ से उतर गया. ठीक है? One slipper could not be found. उसमें से एक slipper जो था, वो खो गया था. And a boy had run off with the other. और लड़के तो जानते हैं कितना बदमाश होते हैं। एक लड़की का चप्पल मिला, उसने क्या किया? वो दूसरा स्लीपर जो था, वो एक लड़का लेके भाग गया। लेकिन क्या बोलते हो गया मना? बोला? Saying that it would come in very handy as a cradle someday when he had children on his own. क्या बोल रहा है? कि ये जो स्लीपर है ना, ये किस काम में आएगा?
एज अ क्रैडल, किस काम में आएगा? माने बच्चे को उसमें झूला झुलाएगा वो, ठीक है। सो जो बोला इतना बड़ा स्लीपर है कि जब मेरे आई हैव माय बेबीज तो वो क्रैडल में काम करेंगे, ठीक है। कितना दिन डिसलाइक कर रहे हैं वीडियोस? सर स्पेडर बोल रहा है सर पैसा कमा रहे हैं। सर पैसा कमा रहे हैं और कब? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं है। पीपल सेट टू गो लाइव सो वी आर गोइंग लाइव, विल कंप्लीट दिस चैप्टर दो, लेट देम अब्यूज, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो द लिटिल गर्ल वॉक अबाउट द स्ट्रीट्स ऑन हर नेकेड फीट विच वर रेड एंड ब्लू विद द कोल्ड। अब वो लिटिल गर्ल जो है वो बेचारी नंगे पांव जा रही है और उसके पैर पूरे रेड एंड ब्लू हो गए विद कोल्ड, माने इतना ठंडा पड़ रहा है कि पैर उसके पूरे नम हो गए। इन अ ओल्ड एप्रॉन शी कैरीड अ ग्रेट मैनी मैचेस, और उसके पास क्या थे? बहुत सारे मैच स्टिक्स थे, ठीक है। एंड शी हैड अ पैकेट ऑफ देम इन अ हैंड एज वेल, तो बहुत सारे मैच स्टिक्स वो बैग में रखी हुई थी और कुछ मैच स्टिक उसके हाथों में भी थे। Nobody had bought any from her and nobody had give her any single penny all day. अब क्या हुआ? उससे किसी ने भी एक भी matchstick खरीदा नहीं था और किसी ने भी उसको एक भी पेनी अभी तक नहीं दिया था। She kept along shivering and hungry. अब वो जा रही थी, बेचारी कांप रही थी और बहुत भूखी थी, ठीक है। The picture of misery, poor little thing. कोई भी उसको देखेगा उसको बहुत जोर दुख लग जाएगा, बेचारी भूखी प्यासी, ना सर पे कुछ पहने ना पैर में कुछ, एक चप्पल था वो भी एक लड़का लेके भाग गया, ठीक है, और उसने एक भी मैचस्टिक बेचा नहीं था सुबह से, ठीक है। द स्नो फ्लेक्स फेल ऑन हर लॉन्ग गोल्डन हेयर व्हिच कर्ल्ड सो प्रीटीली अबाउट हर नेक। अब देखो लड़की इतनी सुंदर प्यारी सी और उसके जो बाल थे वो कर्ली बाल थे, ब्राउन माने जो गोल्डन हेयर थे वो उसके ऊपर गिरे हुए थे, कितनी ब्यूटीफुल लग रही होगी ना, लाइक अ बार्बी डॉल, ठीक है। बट शी डिड नॉट थिंक ऑफ हर अपीयरेंस नाउ, लेकिन उसको अपने अपीयरेंस का कोई फिक्र नहीं था। Lights were shining in every window. हर विंडो, क्योंकि क्रिसमस ईव था, हम लोग दिवाली के टाइम पे क्या होता है सबके घर में वो डिस्को लाइट्स लगे हुए रहते हैं ना, सबके घर में लैंप जलते रहते हैं, कितना सुंदर लगता है, डेकोरेट करते हैं। तो क्रिसमस ईव यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां पर भी पूरा डेकोरेट था बहुत सुंदर से, ठीक है। एंड लाइट्स वर शाइनिंग इन एवरी विंडो एंड देयर वर ग्लोरियस स्मेल ऑफ रूस गूस इन द स्ट्रीट। यू नो व्हाट इज अ गूस? गूस इज जस्ट लाइक इट्स अ बर्ड जो इट इज वेरी क्लोज टू अ डक, ठीक है। तो डक के आसपास तो गूस बहुत ज्यादा खाया जाता है नॉर्दर्न कंट्रीज में, ठीक है। फॉर दिस वॉज न्यू ईयर ईव एंड शी कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। अब उसको खाली एक ही चीज, जैसे हम लोग दिवाली पे क्या सोचते हैं कि हम लोग को क्या मिलेगा दिवाली पे? लड्डू, है ना, मोती पाक के लड्डू, कतली हम लोग सोचते हैं, लेकिन वो लोग क्या सोच रही थी? उसको गूस का सेंस आ रहा था, क्योंकि उस जमाने उस टाइम पे हम लोग क्रिसमस ईव में जनरली रोस्टेड गूस खाते हैं। सी हडल डाउन इन अ हीप इन अ कॉर्नर फॉर्म बाय टू हाउसेस वन ऑफ व्हिच प्रोजेक्टेड फर्दर आउट द स्ट्रीट देन द अदर। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, दो घरों के बीच में, ऐसे दो घर थे उसके बीच में एक आगे से आर्च टाइप का घर निकला हुआ था, उसके बीच पर जगह देख के वो बिचारी वहां पर बैठ गई। बट दो सी टक्ड हर लिटिल लेग अप अंडर हर सी फेल्ट कोल्डर एंड कोल्डर, और उसने क्या किया, अपना पैर को पूरा ऐसे टक करके वो बैठ गई। व्हाट हैपेंड क्रिस, वेयर आर यू वॉचिंग? हां यस, टेल मी, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। सी डिड नॉट डेयर टू गो होम फॉर सी हैड सोल्ड नो मैचेस and earned not a single penny. Now this is very important for your exam. कि वो घर क्यों नहीं गई? घर क्यों नहीं गई वो? उसके पापा मारते। उसके पापा उसको मारते। She had not sold a single match. और वो बहुत बने एक लड़की भूखी प्यासी क्रिसमस ईव है, लेकिन उसके जो सो कॉल्ड फादर है उसको बिल्कुल दया नहीं है उस लड़की के लिए, ठीक है। तो वो घर भी नहीं जा सकती ठंड में भी, क्योंकि उसको डर है कि अगर कुछ पैसे लेके नहीं जाएगी तो उसके फादर उसको मारेंगे। Her father would be sure to beat her, and beside it was so cold at home, for they had nothing but the roof above them, and the wind whistled through that, even though the largest cracks were stuffed with straw and rags. और ऐसा नहीं था कि उनके घर में भी बहुत अच्छा काम था या उसके घर में भी बहुत अच्छा सिचुएशन था, उसके घर का भी जो हट था जो रूफ था वो टूटा हुआ था, तो उसको वो लोग ने रैग्स बोरा से स्ट्रॉ से कैसे ना कैसे उसको ढक के रखा था, मतलब बहुत ही पेटी कंडीशन था उन लोग का। तो घर भी जाकर उसको वॉर्म्थ मिलता, उसके लिए वो मैंने को, क्या नाम है, कोई क्या नाम है तुम्हारा, कोई वो जला के रखता, क्या नाम है, क्या बोलते ना, हॉट क्या जलाते हम लोग, स्टोव नहीं, हीटर जलाता, ऐसा भी कोई नहीं था। घर की उसका हालत बहुत खराब था, घर का जो हट का जो टॉप था वो टूटा हुआ था, कैसे तैसे वो लोग जी रहे थे बेचारे, ठीक है। Her thin hands were almost numb with cold. If only she dared pull just one small match from the packet,
strike it on the wall and warm her fingers. अब क्या हुआ? उसका जो हाथ था बेचारा बिल्कुल एकदम ठंडा था, अब उसको मन कर रहा था कि एक माचिस जलाऊं, थोड़ा सा गर्मी तो आए, लेकिन उसको डर भी लग रहा था कि अगर मैं मैचस्टिक वेस्ट कर दूंगी तो उसके पापा उसको मारेंगे. पर बेचारी ने क्या किया, उसने एक माचिस लास्ट में जला ही लिया. She pulled out scratch, जलाया. And how it spluttered and burnt. और वो माचिस क्या है, एकदम जलने लगा. माने ऐसे किया और माचिस जलने लगा. या माचिस the fire is so significant. You know why? Because ठंडा पड़ रहा है. ठंड में थोड़ा सा भी वॉर्म हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. ठीक है. What happened, Komal? You enjoying? Yes, sir. I'm enjoying. Sir Manav bhai is saying that nice, sir. Ravi sir, you are teaching so good. Many of them are saying that, sir, you are teaching so good. You are the best teacher. Your explanations are too good. Mm-hmm. Like this, comments are coming. And some are abusing also. No, sir. No. Spider, I love you, yaar. अच्छा है, कोई अब्यूज भी नहीं कर रहा है. स्टाइल ऑफ डाउन टू द एंड सर रेनू बाला एंड मेनी. अच्छा, हु आर द पीपल हु अब्यूज मी? Who are the people? Sir, only one boy. Or Spader? No. Spader didn't abuse you. Sir, everyone is asking that. चलो, जो भी abuse कर रहा है, love you also. Sir, इसके बाद everyone is asking for important questions, so they want. We will complete this chapter, then we'll come back to it. ठीक है? तो अभी हम लोग पूछ कर अभी we are in a very very everybody is calling us also, so we are not taking the phone calls right now. ठीक है? तो everybody क्या बोल रहे हैं? Everybody अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए? She pulled out and scratched. एक माचिस जलाया. अब माचिस इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे गर्मी चाहिए. ठीक है. और वो जो मैचस्टिक था ना, वो उसके लिए एकदम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था. लेकिन संग में क्या हुआ? इट स्प्लटर्ड एंड बर्नड. माचिस जल गया. इट वॉज वॉर्म ब्राइट फ्लेम लाइक अ टाइनी कैंडल व्हेन शी हेल्ड हर हैंड ओवर इट. और जैसे उसने अपना हाथ रखा ना उसके ऊपर में, उसको गर्मी लगा ना, तो उसका पूरा अच्छा लगा. इतना ठंड में थोड़ा सा भी हाथ होता ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत. I don't want to sing the song, okay? But what a strange light. It seemed to the little girl as she was sitting in front of a great iron stove with polished brass knobs and brass ornament. Usko aisa laga ki mane wo jo garmi usko itna acha laga usko aisa laga ki wo ek to iron stove ke paas baithi hai ekdam jiske andar brass knobs hai aur brass ornaments lage hain aur usme se garam nikal raha hai. Theek hai? Kabhi thand ke time pe yaad karo, Diwali ka time, okay? हम लोग क्रैकर्स जला रहे हैं और ठंडा पड़ा हुआ है और वहां पे लास्ट हम लोग क्या करते हैं ना, बॉन फायर बनाते हैं. और उस बॉन फायर में हम लोग हाथ डालते हैं, कितना अच्छा लगता है ना. लेकिन वो जो आग का छोटा सा मैचस्टिक का वो जो है ना, वो भी बॉन फायर का काम कर रहा है. उसको इतना ज्यादा खुशी मन में हो रहा है. और क्या हो गया अचानक? द फायर बर्न सो ब्यूटिफुली एंड गेव आउट अ लवली वॉर्म्थ. ओह हाउ वंडरफुल दैट वॉज. द चाइल्ड हैड ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हर फीट टू वॉर्म देम. और वो लड़की बेचारी अपना पैर भी थोड़ा सा आगे कर ली कि हमको थोड़ा वॉर्म मिले. ठीक है. एंड देन आउट वेंट द फ्लेम. और अचानक क्या हुआ, मैचस्टिक है ना भाई, कितना देर जलेगा, वो बंद हो गया. तो जैसे ही मैचस्टिक बंद हुआ क्या हुआ, सारा विजन चला गया. ठीक है. द स्टोव वैनिश एंड देयर शी सेट द बर्न्ट मैच इन अ हैंड. उसके हाथ में क्या रह गया, खाली जला हुआ मैचस्टिक. तो पहला ड्रीम क्या था उसका, आयरन स्टोव. ठीक है, विद ब्रास नॉब्स, ब्रास नॉब्स एंड ब्रास ऑर्नामेंट्स. ओके, लेकिन उसने क्या किया, She struck it another, एक और माचिस जलाया. It burnt clearly, and where the light fell upon the wall, the bricks became transparent. ऐसा लगा जैसे light क्या है, वो bricks के अंदर चला गया. ठीक है, उसको उस wall के उस brick के अंदर उसको दिखने लग गया. The bricks became transparent like gauze. Gauze माने क्या होता है, जिसमें जैसे होता है ना अपने mess होता है, जिसके अंदर वो पूरा अंदर बने जैसा था जाली टाइप का, जिसके अंदर से light चला गया. She could see right into the room. अब वो रूम के अंदर देख सकती है, नॉट लिटरली बट विजन. ठीक है. द बिकेम सी कुड सी राइट इनटू द रूम्स वेयर अ शाइनिंग व्हाइट क्लॉथ वाज स्प्रेड ऑन द टेबल. और उसको एक टेबल दिख रहा है, टेबल के ऊपर एक चद्दर, व्हाइट चद्दर दिख रहा है उसको. इट वाज कवर्ड विद ब्यूटीफुल चाइना. यस, यू हैव कॉल्ड कृष्णा शेख सिंह, पेड 200 रुपीस फॉर व्हाट, सुपर चैट, थैंक यू. बस हु पेड मनी, सर कृष्णा सिंह. बाय बाय. Don't pay money, why? We don't need money. No money, please. This is only for love. I don't need money. Please don't send any money. Only send. That I love you, sir. Bas. No, please don't. Nobody, please send any money. Please don't send any money. Please. Aryan Barnwal is saying, love you, sir. Your teaching. Please don't embarrass me. Don't send any money. Please don't send any money. Don't embarrass me. Barnwal is asking for an exact location in Kolkata. I'll tell you later. In email,
Who sent money? क्या नाम था? Krishna Singh. Krishna, I love you a lot, plus please don't send money. It's very embarrassing. I don't want to take money from any students. Please. I may sound like a fool, but please don't do it. Okay, just love me. I love you back. Okay? Don't send any money. कोरियर का चार्जेस कितना ज्यादा भाई, आई नेवर न्यू. उस दिन मैं गया 80 रुपीज मांग रहा था यहाँ से, मैंने भेजा भी है. तो पैसा मैं नहीं ले रहा हूँ, प्लीज. मेरा प्रिंटिंग का पैसा लगता है भाई, वो तो दोगे कि वो भी नहीं लगेगा. हाँ, मेरा वो तो लगेगा ना पैसा, लेकिन I don't want to earn any money from you. They are asking for PDF. Yes sir. PDF I don't know how to do it. वो मैं करूंगा बाद में, PDF next time. ठीक है, अभी हम लोग का इसको खत्म करें. हम लोग इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर में थे यार, डिस्टर्ब कर दिया पिछले. कहाँ थे हम लोग यार, मेरा पूरा दिल रो रहा था. हाँ, सेकंड मैचस्टिक क्या हुआ, जैसे सेकंड मैचस्टिक जलाया, अब लाइट एक रूम के अंदर चल गया. ठीक है, कोमल इज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, तो वहां पे एक टेबल था. टेबल के ऊपर व्हाइट क्लॉथ, ठीक है, और उसमें चाइना का क्रॉकरी लगा हुआ था. ठीक है, इट वॉज कवर्ड विद ब्यूटिफुल चाइना एंड द सेंटर ऑफ इट स्टूड अ रोस्ट गूस, और उसके बीच में तो रोस्ट गूस था स्टफ्ड विद प्रूंस एंड एप्पल्स. यू नो व्हाट इज प्रूंस? प्रूंस को हिंदी में क्या होते हैं? आलू बुखारा. यू नो आलू बुखारा? यू नो, तो प्रूंस ऑफ फ्रूट्स. मैंने एक्चुअली ये लोग जो है ना अपने, ये लोग तो, हम लोग तो इंडियंस है यार, हम लोग को पता है मीठा कैसे बनता है. हम लोग को मालूम है टाइप्स ऑफ स्वीट्स. हाँ, हमारी मम्मी को मालूम है वो कैसे बनाती है दिवाली, उसमें होली पे क्या बनता है. अभी बनेगा ना वो, क्या बोलते हैं, गुजा. लेकिन वो विदेशों लोगों ने, अमेरिकन लोगों को क्या मालूम कि मिठाई क्या होता है. तो वो लोग क्या करते हैं, सारे फ्रूट्स को स्टफ कर देते हैं, उसको बेक कर देते हैं, एप्पल्स को स्टफ करके बेक कर देते हैं, वो उनका मिठाई है. अरे हम लोग से सीखो जलेबी कैसे बनती है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्टफ प्रूंस एंड एप्पल्स स्टीम डेलीशियसली, उसको स्टीम कर दिया. And what was even more wonderful was that goose hopped down from the dish, waded across the floor, and carving knife and fork in its back, waddled straight up to the poor child. अब क्या दिखा रहा है, जो goose है, वो अपने ऊपर एक क्या नाम है, fork और knife लेकर खुद ही जा रहा है उस बच्चे के पास कि आओ मुझे खाओ. Okay sir. Why are you laughing? Sir, actually someone is telling that sir, please have a haircut. बाला का नहीं, गाना बाला. यार अभी बाल है यार, come on, you want me to go bald? चलो ठीक है, I'll go to this guy. क्या नाम है उसका? कौन है हेयर कट इंडिया में सबसे बढ़िया, कौन है यार? जावेद हबीब के पास जाना पड़ेगा. खैर anyways, तो अभी वो जो क्या नाम है, हम लोग का जो वो है क्या नाम है, जो रोस्ट गूस है, वो अपने ऊपर फोक और नाइफ लगा के खुद ही उस बच्चे के पास आ रहा है कि आओ मुझे खा लो. क्यों, व्हाट हैपेंड नाउ? Then out went the match and nothing could be seen but the thick cold wall. I'm going to gym every day nowadays, यार पता है. चलो ठीक है, तो अचानक क्या हुआ, जब सेकंड मैच स्टिक जब चला गया तो फिर से मैच ऑफ हो गया और वो जो ड्रीम है वो भी उसका टूट गया. तो दो ड्रीम्स हो गए, कौन कौन से विजन्स हो गए? नंबर वन, इट्स नॉट ड्रीम इट्स विजन. ठीक है, नंबर वन द आयरन स्टोव एंड नंबर टू द रोस्टेड गूस, जो खुद ही उसके पास आ गया कि मुझे खा लो. थर्ड वन, नाउ वी आर गेटिंग टू रियली इमोशनल पार्ट. She struck another match, okay? And suddenly, she was sitting under the most beautiful Christmas tree. अब वो कहाँ बैठी था? बहुत सुंदर Christmas tree के नीचे बैठी थी. It was much larger and much lovelier than the ones she had seen last year through the glass doors of a rich merchant house. वो एक बहुत ही beautiful decorated Christmas tree था, और वो इतना सुंदर था जो एक अमीर घर आदमी के घर पे देखी थी, उससे भी सुंदर Christmas tree वहाँ पर था, ठीक है? A thousand candles lit up. एक बात मैं तुम लोगों को बोलना चाहूँ का अभी, कि दिवाली के टाइम पे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यही चाहते हैं कि उनके पास भी क्रैकर्स हो, उनके पास भी गिफ्ट्स हो, उनके पास भी लाइट्स हो, खाने को अच्छा कुछ हो. इंडिया में भी होता है ये चीज़. तो प्लीज़ अगर आप लोग थोड़े से इमोशनल, आपको ये सोच अच्छा लग रहा है, तो उनको भी हेल्प करो. वैसे सोच समझ के हेल्प करना, कि बहुत जन फ्रॉड भी होते हैं, ठीक है, लेकिन इफ़ यू रियली फाइंड समबडी कि जिसको आप किसी को हेल्प कर सकते हो, किसी को हैप्पी कर सकते हो, तो प्लीज गो एंड हेल्प देम आउट. ओके, चलो.
So उसने क्रिसमस ट्री देखा which was much larger than she had seen in a rich merchant's house. ठीक है? A thousand candles lit up the green branches. उसके हर branches में thousand of candles था. And gaily colored balls like those in the shop windows looked down upon her. और उसमें सब balls भी लगाए हुए थे, candles लगाए हुए थे. The little girl reached forward with both hands. The लड़की गई as if to catch the Christmas tree. Then out went the match. और क्या हुआ? तीसरा matchstick भी भूज गया. तो तीन हो गया विजन. पहला वाला क्या था? Iron stove. दूसरा वाला क्या था? Roasted shoes. और तीसरा वाला क्या था? Christmas tree. लेकिन अभी बहुत अच्छा काम हुआ. The many candles on the Christmas tree rose higher and higher. आस्ते आस्ते उसको से देखा कि सारे कैंडल ऊपर की तरफ जा रहे through the air. And she saw that they had now turned into bright stars. और वो सारे stars बन गए candle. Now this is very important. One of them fell, streaking the sky with light. और उसे एक जो था, वो आस्ते से like a shooting star, वो candle हल्का सा गिरा. ठीक है? समझ में आ रहा बात को? Now this is a very legendary light. Now someone is dying. कोई मर रहा है. कौन मर रहा है? The little girl. उसको पहले ही एहसास हो रहा है कि वो मरने वाली है, क्योंकि उसकी दादी ने बोला था कि टूटता तारा को अगर आप देखोगे, तारे तब टूटते जब कोई मरने वाला होता है. कितना दर्दनाक मौत हो रही इस लड़की की ठंड में, है ना? एक छोटी सी लड़की क्या ठंड में मर रही है बचाओ. माने इट्स सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो गए, इमोशनल हो जाते हैं कि कोई उसको हेल्प करने वाला नहीं, उसका पापा खुद उसको मारने के लिए रेडी है. ठीक है? नाउ समवन इज डाइंग, सेड द लिटिल गर्ल. For her old grandmother, the only one who had ever been good to her, but who was now dead, had said, "Whenever a star falls, a soul goes up to God." Okay? She struck another match, the fourth one. Okay? On the wall, once more there was light, and in the glow stood her old grandmother. अब इस बार लेके light में कौन आया? उसकी दादी. Grandmothers are so lovely, ना? इतनी प्यारी होती grandmothers, okay? मेरी दादी मेरे को बहुत कहानी सुनाती है. Oh, so bright and shining. ठीक है? And looking so gentle, kind and loving. And the little girl cried. क्या बोली? Granny, granny, the little girl cried. कितना दुख था उसके मन में. और जब उसने अपनी मरी हुई दादी को देखा, तो उसके मुंह से क्या निकला? Granny. और उसने क्या बोला? मैं Please take me along. मेरे को भी संग में ले जाओ. माने एक लड़की इतनी परेशान है कि अपनी मौत खुद मांग रही है कि मुझे अब नहीं रहना, मुझे यहां से ले जाओ. बोलिए, Granny, cried the little girl, oh, take me with you. क्या बोल रहे? रानी को बोल रही है, टेक मी विद यू, प्लीज टेक मी. क्योंकि उसको क्या लग रहा है ना कि अनदर, अगर जैसे मैचस्टिक ऑफ होगा तो ग्रैनी भी चली जाएगी. जैसे बाकी विजन चला गया था, वैसे ग्रैनी भी छोड़ के चली जाएगी. तो रोते रोते बोले, ग्रैनी प्लीज टेक मी विद यू, मुझे छोड़कर मत जाओ. आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन दिस क्रूअल वर्ल्ड. एक छोटी सी बेटी, एक छोटी सी बच्ची बोल रही है, आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन दिस क्रूअल. और हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत तकलीफ में हैं. खाली स्टोरी सुनने से नहीं होता, इट्स रियली इमोशनल. इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं. खैर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट. ठीक है? तो बोले, ग्रैनी, ओ टेक मी विद यू, आई नो यू विल डिसअपीयर. यार मुझे पता है कि तुम भी चली जाओगी. व्हेन द मैच इज बर्नड आउट, यू विल वैनिश लाइक द वार्म स्टोव, द लवली रूस्ट गूस एंड द ग्रेट ग्लोरियस क्रिसमस ट्री. जैसे वो तीनों गायब हो गए, वैसे आप भी गायब हो जाओगी. प्लीज ग्रैनी, डोंट लीव मी. माने वो अपने मरने का वेट, मैं भी मरना चाहती हूँ. ठीक है? द मैच फ्लेड अप विद सच अ ब्लेज दैट इट वाज ब्राइटर देन द ब्रॉड डेलाइट. अचानक क्या हुआ? ऐसा लगा लाइट ही लाइट हो गया, इतना लाइट हो गया जो डे लाइट से भी ज्यादा हो गया. नाउ इट इज आफ्टर दैट सिनेरियो चल रहा है अभी, बोलते ना आफ्टर दैट एक्सपीरियंस ही होते हैं. तो इतना लाइट हो गया अचानक वहां पे, ऐसा लगा ओनली अपेरेंटली टू द गर्ल, सबको नहीं दिख रहा वहां पे लाइट, ओनली टू द गर्ल वहां पे पूरा ब्राइट हो गया. ठीक है? एंड हर ग्रैंडमदर had never seemed so beautiful and so stately before. और उसकी दादी उसको सुंदर लग रही है. जैसे हम लोग इमेजिन करते हैं ना, हम लोग देखते हैं ना इंडिया में तो जितने भी घोस्ट होती हैं, वो सब एकदम निर्मा की धुली हुई साड़ी पहन के आते हैं ना, सब वाइट एकदम, सब वाइट एकदम. ठीक है? तो एक उसकी उसकी जो दादी है, she looking so beautiful and so stately. She took the little girl in her arms. उसने क्या किया? उस लड़की को अपने arms में लिया and flew with her higher. और उसके साथ ऊपर उड़ गया. Oh, so high. Towards the glory and joy. Thank God, उसकी दादी उसको लेकर चली गई. Now they knew neither cold nor hunger. अब कोई ठंड नहीं है, कोई धूप नहीं है, कोई डर नहीं है. Nor fear. Fear क्यों बोल रहा है? डर ऑफ फादर. दुनिया का वर्स्ट डर है, if you are scared of your father. Tattoo girl, एक लड़की जो अपने लड़कियां ज्यादा अपने पापा को ज्यादा प्यार करती है ना,
अगर एक लड़की अपने पापा से डर रही है तो कितना टॉर्चरस है. As far as I know, fathers are everything for daughters. Yes, they are, उनका पापा है तो माने दम है. लेकिन यहाँ वो लड़की बेचारी पापा से डर रही है, तो सोचो कितनी ट्रॉमाटाइज होगी वो, कितना बुरा टाइम उसका होगा. ठीक है. Now they knew neither cold nor hunger nor fear, for they were both with God. किसके संग में? बोलो, भगवान के साथ में है वो. But in the cold dawn, in the corner found by two houses, sat the little girl with rosy cheeks and smiling lips, dead, frozen to death. Pathetic. दूसरे दिन क्या हुआ? क्या लोगों को क्या काम है? खाली बातें करना आता है लोगों को, खाली बोलना आता है. They can do nothing. उनके पास कुछ भी नहीं है, खाली बोल सकते हैं. ठीक है. तो जो बोल सकते हैं उनको माफ करो. जैसे मैंने भी बहुत जन को माफ कर दिया इनडायरेक्टली. ठीक है. सरकाजम. जो बोल सकते हैं उनको बोलने दो, जो करेंगे वो करेंगे. तो दूसरे दिन क्या हुआ? मॉर्निंग में लोग आए और उन्होंने देखा एक छोटी सी लड़की प्यारी सी मरी पड़ी है. एंड यू नो द पैथेटिक थिंग, सी इज डेड, फ्रोजन डेड, ठंड से मर गई. अगर ये रियलिटी में होता, भगवान करे ऐसा रियलिटी कभी नहीं हो, लेकिन अगर रियलिटी में ऐसा हो तो कितना तकलीफ का बात है कि छोटी सी बच्ची ठंड से मर गई. नाउ यू नो माई मदर टेरेसा इज सो स्पेशल. उन्होंने कितने डेस्टिट्यूट्स की हेल्प की है. जैसे इमेजिन, लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर. अब कितना देखो, कितना दुख का बात है. क्राइस्ट इज कमिंग टू लाइफ, बर्थडे है जीसस क्राइस्ट का, और यहाँ एक लड़की मर गई. ठीक है. The dawn of the new year rose to the huddled figure of the girl. She was still holding the matches. अभी भी उसके हाथ में क्या था? Matches. And half the packet had been burned. और आधा पैकेट उसने जला दिया. क्यों जला दिया अनु मैं? तो दादी को नहीं जाने देना चाहते. बोले कितना तड़प रही थी. नहीं दादी, मत जाओ दादी, मत जाओ दादी. Just continuously burning the matchstick. मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ. और आधा से ज्यादा matchstick उसने burn कर दिया. और ultimately she went in peace with the daddy. She was evidently trying to warm herself. People said, but no one knew what beautiful vision she had seen and what a blaze of glory she had entered into with her dear old grandmother into the heavenly joy and gladness of a new year. लेकिन यहाँ पर जो लास्ट पैराग्राफ है क्या बोल रहा है? लोगों ने नहीं देखा कि उसने वो कितना सुंदर से, माने कितने अच्छे से भगवान ने उसको एंड दिया. वो अपनी दादी के साथ इस it's disgusting, pathetic world से निकलकर she had gone to the arms of the God. She has gone to somewhere जहाँ उसको और कोई तकलीफ, कोई फियर, कोई डर उसको नहीं रहेगा. ओके. सो दिस इज द चैप्टर, क्या नाम है, द लिटिल मैच गर्ल. थैंक्स टू हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा. अच्छा, इस चैप्टर में बहुत सारा इमेजरी यूज किया हुआ है. ठीक है. फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी यूज किया हुआ. इमेजरी माने क्या होता है? कि जब हमको इमेजिन करना पड़ता है. ठीक है. तो यू हैव टू यूज लॉट ऑफ इमेजिनेशन कि वो बच्ची कैसी दिखती होगी. उसका नाम भी नहीं बताया हुआ है. ओके. तो ये चैप्टर आने का बहुत चांसेस है, उसके विजन्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. मैंने उसका कोड भी दिया है. क्या कोड था? IRCG. I really cried girl. Now you know why I get the code? Yes. I really cried girl because I really cried. ठीक है. And I feel like crying girl. Dipesh Yadav, hello. Anybody else? जल्दी जल्दी बोलो. उसके बाद ये जो लास्ट पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि वॉट इज द डिफरेंस, लाइक सी हैज गॉन टू द हेवंस विद लॉट ऑफ जॉय, ये आ सकता है क्वेश्चन. ठीक है. व्हाई डज द लिटिल गर्ल वॉन्ट टू डाई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ईशान घोष, हेलो. Old man at the bridge, we are going to do tomorrow. You want me to go live? If you want me to go live with old man at the bridge, give me a answer. Sir, Spader X is asking. Spader was abusing you. Spader was abusing you. He was saying that he is for teaching for money. Oh, Spader बोल रहा था. Spader is an old यार, मेरा जब 200 subscriber था. Yeah, he told that whenever you started the question. Yeah, I love you, Spader. Why are you saying like this? Sir, Spader's question is Shylock comparing to Antonio down to earth? Antonio to down to earth? No, according to Shylock, though, Antonio is not a good person at all. Hearts and hands. We have done the video Hearts and Hands, na? Uska playlist mein. Illusion ki video banao. हाँ ठीक है, we will do that. ये Merchant of Venice के लिए बोल रहा है, तो दो दिन तक कॉल आ गया. We'll try and do it tomorrow. Let's see. Movie important scenes. Go for Act 2. Act 2 Scene 2 is very important. मेरे हिसाब से Act 5 Scene 1 is very important. ये दोनों करो. Act 2 में
एक्ट टू का वो लॉन्ग स्लॉट वाला सीन मतलब बार बार लग रहा है कि मारने का चांसेस है. एक्ट फाइव सीन वन इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें मतलब कंफ्लिक्ट ऑफ लॉरेंजो और जेसिका जब बात कर रहे थे ना आपस में, लॉरेंजो और जेसिका बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहे थे, ट्रॉयलस एंड कैसिडा का, थिस्बे एंड पायरमस का, डीडो एंड एनियस का, जेसन एंड मीडिया का, ये सारे आप करके जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है. सर प्रकार किस प्रकार मैं करूँ हाय उसको बहुत अच्छे से प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया, सी स्मार्ट, लेकिन इन द कोर्ट सीन उसने साइलो के बारे में थोड़ा बहुत जो कुछ बोला है नो बट यू कांट से मैंने ओवरऑल देखेंगे नो पोर्शिया इज नॉट रेसिस्ट. नदीम खान एंड गौरव हेलो हेलो हां ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. हां ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब होता है कि ब्लिस माने होता है ब्लेसिंग और सॉलिट्यूड माने होता है आइसोलेशन, अकेलापन. अकेलापन बहुत अच्छा होता है. यू नो व्हाट आई लव अकेलापन. जब मैं घर जाता हूं ना व्हेन आई गो होम एट 11:30 12 o'clock आई हैव टोल्ड माय फैमिली नॉट टू टॉक टू मी, आई वांट टू बी अलोन. देयर आर टाइम्स नाउ व्हेन हम लोग अकेला रहना अच्छा लगता है. ठीक है तो जब हम लोग को अकेला रहना अच्छा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड कि वो कम से कम 15 मिनट्स 20 मिनट्स अकेला रहे, अकेला टाइम स्पेंड कर. यू कैन रीकैप, यू कैन रीथिंक, आप अपने आप को फिर से सेट कर सकते हो क्या करना है लाइफ में. वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अलोन, उसी को हम बोलते हैं ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. ठीक है सर दे आर सेइंग दैट और कोई बुक से पढ़ने के लिए क्या बुक भाई यू पीपल आर सो रिच इन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस ना, यूट्यूब है भरा हुआ है, देयर इज सो मेनी गुड यूट्यूबर्स आउट देयर, आई एम आल्सो देयर, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं तो आप जिससे चाहे रेफर ले सकते हैं. लेकिन अच्छा पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. लास्ट 5 मिनट्स ओके, आफ्टर दैट विल गो अप. लास्ट 5 मिनट्स एंटोनियो कॉल्ड शाइलॉक अ डॉग, वाज दिस करेक्ट? वेरी रॉन्ग बट अगर आप ये बात करो देखो एक बात आप समझो क्लियरली, इट्स अ थिएटर गोइंग ऑन. ठीक है इट्स अ मूवी गोइंग ऑन. फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की मूवी बनती है, अब थोड़ा सा इसको अदरवाइज मत लेना लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ जब इंडिया मूवी बनती है तो इंडियन प्रोस्पेक्टिव से बनती है. हम लोग अगर किसी से मैच दिखाता है तो उसमें इंडिया हारेगा कि जीतेगा? जीतेगा ना, हारेगा तो खराब लगेगा. तो शेक्सपियर का ये जो प्ले है ना ये थिएटर में परफॉर्म होने वाला है तो उस टाइम ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया में प्ले हो रहा है तो ऑब्वियसली वो लोग क्रिश्चियंस लोग ऊपर रखेंगे बाकी सबको नीचे रखेंगे. तो अगर हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं हम लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा लेकिन वहां के जो ऑडियंस होंगे ना उन्होंने तो बहुत अप्लॉज किया होगा इस टाइम पे. But it's not, I even I don't like that. Peter Singh is Shyla down to earth. Book mein likha hai Selena wale. Selena ko book mein likha. Again depends on the, aap usko kaise dekhte ho. Depends on your view of seeing, aapka angle kya hai dekhne ka. Theek hai. Sir, one say Dipesh Yadav. Dipesh Yadav, hello, how are you? Case word is important. Very important. Did I say that? The cage bird sings. I know why the cage bird sings. Nah, it's not important. Nah, it's important, yes. I know why the cage bird sings. Yes. So, Last 3 minutes. Sir, what's your thought on today's commercial studies paper, Rohit Banwal? My students have done very well. Chris to pagla ho gaya hai. Ek baar mein uska tally bhi ho gaya balance sheet. So my students have done very well. I'm very happy. Please cover all the figure of speeches. Not possible right now. We'll do a separate video on that. Yes. Hi, Alok Shao. Alok Shao. Hello, Alok. Yes. Sir, is Portia help Bassanio in casting choice? In casket choice. Yes, she did. वो जो गाना गाई थी उसने और उसने hint दिया था, काफी hint दिया था. Yes. Last 2 minutes. Sir Kumar Krishna Singh. Hello sir. Kumar Krishna. Singh. तीन नाम. Hello Kumar Krishna Singh. Krishna Kumar Singh. Anyways, last 2 minutes. Sir Devansh Yadav, I love only Asim and you. Asim and me? Even I love Asim. My wife doesn't love him. You know, बहुत लड़ाई होता है. My wife loves, क्या नाम उसका? Sukla ji. Sukla ji, yes. But I love Asim too.
आई एम फॉर आसिम आयुष का नाम आयुष आयुष कुमार आयुष कुमार हेलो सर समझ सर अगर ट्रांसफॉर्मेशन वाले सेंटेंस में सब सीरियल नंबर लिखना भूल गए तो सारे मार्क्स कटेंगे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है टीचर्स आर वेरी काइंड सर 9th आईसीएसई को जो आया है पोएम्स एंड स्टोरीज आर दे लाइकली टू कम लाइक बैंगल सेलर्स एंड ओल्ड मैन एट द ब्रिज हां क्यों नहीं दे कैन कम ऑफ कोर्स द बैंगल सेलर आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट करके जाना मेरा वीडियो भी है उसमें प्लीज चेक इट लास्ट 1 मिनट डायलॉग इज अ बैटमैन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द व्यू पॉइंट यू नो जहां पे प्ले हो रहा है जहां प्ले हो रहा है वहां साइलेंट को खराब ही माना जा रहा है वहां की ऑडियंस के लिए किया जा रहा है इट्स टू अर्न मनी मेरा चैनल अर्न अर्निंग करने के लिए नहीं है बट वो जो प्ले था वो अर्न मनी के लिए था तो वहां पे ही वाज प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर सर सनी दीक्षित सनी दीक्षित आर यू रिलेटेड टू मिस माधुरी दीक्षित मिसेस माधुरी दीक्षित हो तो हम लोग को मिलाना वेरी इंपॉर्टेंट That is why we are streaming. Last 30 seconds. Anybody else? Chalo, bye. Please don't waste your time. Sara videos upload kiye hue hai. Please watch. And jo mere ko gaali de rahe hai, please mat do yaar. Achha hi lagta. Okay. But I love you all. And Spader, I love you too. Haan. Tum mera bahut purana subscriber hai. Kiska? Spader. Yeah, I forgot. Spader, what is your name? Please tell me. Once more, please. Is he saying? Chalo. Bye. See you tomorrow.